नमस्कार, बीकेपी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डुप्लीकेट ऑनलाइन लॉटरी सेंटर पर छापा, लकड़गंज पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य। समता नगर इंदौरा नारा परिसर के लोगों ने किया आसीनगर जोन का घेराव, गंदगी से परेशान जनता। और संजय राउत की गिरफ्तारी पर कृष्णा खोपड़े की प्रतिक्रिया, खोपड़े ने कहा कि राउत ने कुछ नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं। अब खबरें विस्तार से। लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत वर्धमान नगर चौक पर कॉफी कैफे के पड़ोस में जोन 3 डीसीपी राजमाने के स्वाट द्वारा डुप्लीकेट ऑनलाइन लॉटरी का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें डुप्लीकेट गोल्डन ऑनलाइन लॉटरी चला रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की तलाश जारी है, साथ ही 13,28,000 कैश और मोबाइल तथा लैपटॉप भी जब्त करने की जानकारी सामने आ रही है। श्री राधा कृष्ण मंदिर वर्धमान नगर में ऑस्टियोपैथिक दर्द निवारक चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन श्री उमाकांत अग्निहोत्री एवं पवन पोद्दार द्वारा किया गया। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर ने अपने डॉक्टरों की टीम के साथ नागपुर के सैकड़ों मरीजों का इलाज कर उनको ठीक किया। इसका फायदा हजार लोगों को हुआ। इस शिविर में कुछ पेशेंट तो ऐसे थे जो व्हीलचेयर पर आए थे, लेकिन डॉक्टर के इलाज के बाद वो अपने पैरों पर चलकर वापस आए। दिनांक 29 को विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर जी, रामकृष्ण पोद्दार, पूनमचंद मालू, गोविंद पोद्दार, उमाकांत अग्निहोत्री, पवन पोद्दार, हरीश अग्रवाल के हस्ते दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इसका फायदा हजार लोगों को हुआ। सभी ने अपनी इच्छा जताई कि ऐसे ही कैंप बार बार होते रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री MM शर्मा, सुधीर केडिया, ऋषि खंगूर, केदार साहू, शंकर दयाल शुक्ला, शिव गुप्ता, DB सिंह, गोविंद बाहेती, मुरारी लाल अग्रवाल, राम प्रताप शुक्ला, सुनील गुप्ता, मधुसूदन सारडा, पुरुषोत्तम लोणारे, रवि गुप्ता, ओम तोशनीवाल, गौरव पोद्दार, मुकेश खंडेलवाल, मनीष क्याल, गिरिराज बियानी, वारुलता भट्ट, सपना निजोतिया, विष्णु शर्मा, दीपक सिंह इत्यादि सेवारत थे। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और किशोर सी संत की खंडपीठ ने कहा कि अगस्त में कई छुट्टियां हैं और इसीलिए सरकार काम नहीं करेगी। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और आगे की सुनवाई 23 अगस्त को तय की। अदालत औरंगाबाद निवासी मोहम्मद मुस्ताक अहमद, अन्ना साहेब खंडारे और राजेश मोरे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने 2001 में शहर का नाम बदलने के अपने प्रयास को रद्द कर दिया था, लेकिन पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने राजनीतिक कारणों से अनधिकृत तरीके से एक निर्णय पारित किया। इसमें कहा गया है कि इस फैसले की पुष्टि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 16 जुलाई को की थी, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया था। शिंदे सरकार ने इसमें छत्रपति उपसर्ग जोड़ा था। याचिका में कहा गया है कि निर्णय संविधान की पूरी तरह से अवहेलना है और आग्रह किया कि इसे कानूनन अमान्य घोषित किया जाए। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का निर्णय उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से हटने से कुछ घंटे पहले 29 जून को तत्कालीन MVA सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया था। शिंदे ने बाद में कहा था कि निर्णय तब लिए गए जब MVA सरकार के पास बहुमत नहीं था और इसीलिए वे अवैध थे। नागपुर के संविधान चौक पर सारथी ट्रस्ट द्वारा नागपुर के एक युवा के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस युवा ने निराशाजनक और नेत्रहीन घटना को हतोत्साहित करने में अपनी जान गंवा दी, जो पुणे में एक पार्टी में हुई थी। LGBT समुदाय के लिए प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए।
एलजीबीटी समुदाय के लिए प्रोटेक्शन लो, होना चाहिए। मारा पीटी बंद करो। मारा पीटी बंद करो। ये शोक सभा आयोजित करने का उद्देश्य है कि हमारे समाज में यौन अल्पसंख्यक अभी भी एक वर्जित है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार नहीं होते हैं। यौन अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो सामाजिक के सभी क्षेत्र में समानता हासिल करने की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का उद्देश्य सारथी ट्रस्ट ने बताया। LGBTQ समुदाय को दृश्यमान और मुखर बनाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि लोग ये जानें कि LGBTQ लोग हर जगह मौजूद हैं और उन्हें किसी इंसान से कम समझना सही नहीं है, क्योंकि उनका यौन रुझान बाकी लोगों से अलग है। इसलिए सारथी ट्रस्ट द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया और इस वक्त जस्टिस के लिए मांग की गई। हमारे कम्युनिटी के साथ, LGBT कम्युनिटी के साथ आज से ही अत्याचार हो रहा है। कई सालों से हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जंग आधी जीती, आधी भी नहीं जीती, कई परसेंट से भी नहीं जीती है। गवर्नमेंट सरकार ने हमें एक तीसरा दर्जा दिया, हमारे लिए लॉ बनाए गए, पर वो कहीं पर सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। कारण आज भी पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करती है, सरकार सपोर्ट नहीं करती है, अपना कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करता है, और इवन हमारे फ्रेंड्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते, समाज हम अपने को सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे लिए जो लॉ बने उस पर अमलबाजी होनी चाहिए, पहली बात। कारण कहते हैं कि अखबार में दिया गया सिर्फ जाहिरात या उसको बोलते आर्टिकल दिया गया और वो हमारे कम्युनिटी तक पहुँचा नहीं गया, तो तब तक उसके लिए हम सरकार को और जो हमारे बीच के गवर्नमेंट है और हमारे कोर्ट्स है, हमारे कानून प्रशासन है, इसके लिए जिम्मेदार है कि कारण उनको कम्युनिटी तक का ये जाहिरात, उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए, ये उनको देना चाहिए, पहली बात। और ये आज अभय के साथ हुआ है, ये बहुत गंभीर विषय है कि आज उसके साथ हुआ है। ऐसे तो कहीं बहुत सारे केसेस है कि हम उजागर भी नहीं कर सकते, कारण ये तो शहर की बात है कि शहर में हो रहा है। अगर हम ग्रामीण में जाए तो ग्रामीण में भी ऐसा होता है, पर वो सामने नहीं आ पाते, तो उनके साथ क्या नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द अभय को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने और कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। उत्तर नागपुर में गंदगी और मच्छर की परेशानी से नागरिक जूझ रहे हैं। समता नगर, इंदौरा कामगार नगर, नारा जैसे परिसर में गंदगी का आलम है, लेकिन आसी नगर जोन प्रशासन इन परिसर में ना ही साफ सफाई करता है, ना ही मच्छर भगाने की गाड़ी भेजता है, जिसके कारण परिसर के लोग आक्रोशित हुए और आसी नगर जोन में ठिया आंदोलन पर बैठ गए। युवा कांग्रेस के साथ मिलकर परिसर के नागरिकों ने अधिकारियों का घेराव किया और जल्द ही समस्या सुलझाने को कहा। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही परिसर के समस्या का निराकरण किया जाएगा। आम्ही आज जिथे माझ्या प्रभागातल्या जनतेसोबत आंदोलन केलं, नेमकं कारण काय आहे की आता पाऊस आलेला आहे आणि मी या अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं, एक महिन्या अगोदर म्हणजे पावसाच्या अगोदर मी यांना सांगितलं होतं, समर्थ नगर इथली ड्रेनची पूर्ण कोलॅप्स आहे, म्हणजे ते पावसाळ्या अगोदर सुधरवली असती तर जेणेकरून लोकांच्या घरात पाणी गेलं नसतं। यांनी अजूनपर्यंत ती तक्रार जशीची तशीच ठेवली। दुसरं कारण, मच्छरची गाडी येत नाही प्रभागामध्ये, एक महिना झाला हे अधिकारी सांगतात याच्याकडे चार्ज आहे, तो दुसरा अधिकारी सांगतो त्याच्याकडे चार्ज आहे, हां कोमलकरकडे आहे, तो म्हणते वर्माकडे आहे, हे एकमेकावर ढकलून देते। पण माझ्या प्रभागात अजून एक महिना झालेला आहे, मच्छरचा दूर म्हणजे प्रादुर्भाव एवढा वाढलेला आहे की लोक कंप्लेंट्स करून येतात, लोक म्हणजे डेंग्यूचा प्रभाव वाढलेला आहे जास्तीत जास्त। आता कोरोना झालं, मंकी पॉक्स वगैरे नवीन नवीन बिमारी येऊन राहिल्या आणि आता डेंग्यूमुळे माहितीये का लोक अधिकारी लक्ष देऊन नाही राहिले, लोकांना त्रास होऊन राहिलेला आहे। एक महिना झाला तरी पण या अधिकाऱ्यांनी अजूनही गाडी पाठवली नाही, ना फवारणीवाले पाठवतात ना मच्छरवाले गाडी पाठवतात। फवारणीवाले म्हटले तर आमच्याकडे फक्त दोनच माणसं आहे म्हणतात, हे दोन माणसं आम्ही कुठे कुठे पाठवू। तर ही शासन का, ही महानगरपालिका एवढी हे आहे का भिकारी की यांच्याकडे माणसाची कमी आहे का? मग यांनी माणसाची कमी असेल, मॅनपॉवर कमी आहे तर मग भरती घ्या ना तुम्ही,
फक्त दोन माणसं आहे म्हणतात ना, हे दोन माणसं आम्ही कुठे कुठे पाठवू, असे यांचे उत्तर आहे. आणि आता प्रभागात 23 वर्षाच्या मुलीचा म्हणजे मरण पावलेली आहे, ते कोण, त्याचं जिम्मेदार कोण आहे? म्हणजे डेंग्यूची गाडी नाही आहे, मच्छरवाले फवारणीवाले लोक नाही यांच्याकडे, चेंबर तुटले त्यांच्याकडे लक्ष नाही आहे. म्हणजे नगरसेवक नाही असले तर हे लोक लक्ष देत नाही आहे, प्रशासन बिलकुल लक्ष देत नाही आहे. गटराच्या लाईन फुटलेल्या आहे, गटर पण कव्हर नाही आहेत, काहीच नाही, काही दूर दूर लक्ष आहे या लोकांचं पूर्ण. अधिकारी आता झोपलेले आहेत. आता काय म्हटलं अधिकाऱ्यांनी? अधिकाऱ्यांनी म्हटलं, एक तर इथे अधिकारी होते ना, अधिकाऱ्यांना आम्ही फोन केला तर पोलीसवाल्यांना पाठवतात, अगोदर ते यायचे तर पोलीसवाले आले आमच्याकडे, अधिकारी अजूनही आलेले नाही आहे. आम्हाला फक्त उत्तर दिलेलं आहे, हो करून घेऊन, फक्त आश्वासन दिलेलं आहे. समोरचं पाऊल या लोकांनी आणखी नाही केलं तर आम्ही आणखी तीव्र आंदोलन करू. लोकांच्या समस्या आम्ही यांच्यापर्यंत पोहोचून, हे झोपलेले आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचून. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. सबका फिर से स्वागत है. भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में हर घर तिरंगा पहल 13 से 15 अगस्त तक लागू किया जाएगा. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने आज यह अपील की कि सभी नागरिक और छात्र इस गतिविधि में सहज रूप से भाग लें और इसे उत्साह से मनाएं ताकि हर घर पर तिरंगा फहराया जा सके. आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में हर जगह हर घर तिरंगा पहल लागू की जा रही है. इस गतिविधि के अवसर पर काटोल रोड स्थित जिला परिषद के पूर्व शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री कुंभेजकर बोल रहे थे. इस अवसर पर नागपुर पंचायत समिति के समूह शिक्षा अधिकारी राजेश्री घोड़गे, प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुजाता अगरकर, श्रीमती खाड़े, श्रीमती मेश्राम सहित शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई. गणमान्य लोगों ने डेमोक्रेट अन्ना भाऊ साठे और लोकमान्य तिलक की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की. छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए. भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मद्देनज़र लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति जलती रहे. स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात नायकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम में हुई विभिन्न घटनाओं को याद किया जाना चाहिए और इस गौरवशाली इतिहास को गर्व से मनाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता की लौ जलती रहे और जनता के मन में देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे. गतिविधि हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है. हर जिले, हर तालुका में हर घर तिरंगा फहराने के लिए सभी नागरिकों को इस गतिविधि में सहज रूप से भाग लेना चाहिए और ध्वज संहिता की सख्ती से पालन करना चाहिए. वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ विदेही चव्हाण की रिपोर्ट. यवतमाल ग्रामीण थाना अंतर्गत भाम टोल बूथ पर आज दोपहर ऑटो दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
ऑटो महागांव तहसील से यवतमाल की ओर तेज गति से जा रहा था, तभी ऑटो में सवार महिला ललिता प्रकाश जाधव 35 वर्ष ने भी बुद्रुक ऑटो चालक के नियंत्रण खो देने से नीचे गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिरी, ऑटो का पहिया सिर पर चढ़ने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण थाना के जमादार भगवान बावने ने इस मामले आगे की जांच कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने कल देर रात को गिरफ्तार किया था। इस पर बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि संजय राउत ने कुछ नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईडी को कुछ पता चलने पर ही उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है। शिंदे समूह के शिवसेना छोड़ने पर संजय राउत ने जो बयान दिया वो आज उन पर ही उल्टा है। ऐसी प्रतिक्रिया विधायक कृष्णा खोपड़े ने दी है। नहीं, संजय राउत साहेबांना ईडी ने काल सकाळपासून चौकशी केली आणि लगभग रात्री त्यांना अटक केली आहे। राऊत साहेबाचा आपण 2.5 वर्षापासून ते ईडी असो, सीबीआई असो किंवा केंद्र सरकार असो, स्वतःच प्रश्न करत होते आणि स्वतःच त्याचे उत्तर देत होते। सकाळी 9 वाजतापासून तर रात्री 11 वाजतापर्यंत मीडियामध्ये ते हेच काम करत होते, दुसरं कोणतंच काम करत नव्हते। आणि म्हणून जेव्हा ईडीने त्यांची जी काही चौकशी केली असेल, जी ईडी काही हे कोणत्या पक्षाच्या दबावाच्या अंतर्गत कोणत्या राजकीय हेतूने कधी कार्य करत नाही, त्यांच्यापाशी काही पुरावे असतील, मागच्या वेळेस अनेक प्रकारचे आरोप त्यांच्यावर लागले होते आणि त्याच्यामुळे ईडीने त्यांच्यावर जी काही कारवाई केली असेल, आता राऊत साहेबाचा भोंगा कालपासून जरा बंद झाला। जो रोज रोज भोंगा, अनेकावर आरोप लावणं, अनेकाबद्दल वाईट वर्षण करणं, राजकीय क्षेत्रामध्ये अनेक लोकावर लोकाच्याबद्दल बोलणं, एखाद्याने हनुमान चालीसा म्हणलं तर त्याच्यावर देहद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं, अनेक लोकांची घरं त्यांनी तोडली, अनेक लोकांना अरेस्ट त्यांनी केली, तेव्हा त्यांना फार चांगलं वाटत होतं। आज स्वतःवर जेव्हा ही कारवाई होत आहे आणि हा काही विषय काही लहानसा विषय नाही, हा हजारो कोटी रुपयाचा हा विषय आहे। ज्या पत्राचाल कोणती चाल आहे भगवान जाणे, ज्या पत्राचालच्या माध्यमातून अनेक लोकांचा निधी जमा करून अनेक लोकांना बेघर केलं, आतापर्यंत त्यांना त्या ठिकाणी फ्लॅटसुद्धा मिळालेले नाही। आणि म्हणून ही संपूर्ण जेव्हा चौकशी होत होती त्यावेळेस ईडी विभागाने त्यांना ईडीने त्यांना अनेक प्रकारचे नोटीससुद्धा दिले, ते वारंवार ते नोटीस टाळत होते, वारंवार ते तारखा मागत होते। कायद्याचे काही नियम असेल, काही नोटीस दिल्यानंतर त्यांनी हजर व्हायला पाहिजे नव्हतं, परंतु त्या नोटीसची बी त्यांनी वारंवार अवहेलना केली आहे। आणि त्याच्यामुळे ईडीने जी काही चौकशी त्यांच्या विरुद्ध केली, त्यांनी अगर सत्य त्यांनी ईडीच्या समोर जे काही असेल ते सत्य सांगितलं पाहिजे। अगर ते सत्य असेल तर ते प्रामाणिकपणे बाहेर निघतील। अगर काही त्यांच्या गडबडी आली असेल, कारण गडबडी असेल म्हणूनच त्यांना अटक केली आहे, काल रात्री बहुतेक 12:30 वाजता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला, ज्या काहीतरी गडबडी त्याच्यामध्ये असेल म्हणून तो गुन्हा दाखल झाला आहे। आणि आता कायद्याची लढाई ही सुरू झाली आहे। आणि म्हणून राऊत साहेबांनी जी काही कारवाई त्यांच्यावर होत आहे त्यांच्या समोर गेलं पाहिजे, त्यांच्यासमोर जे काही आता न्यायालय निर्णय घेईल, ईडीची आता चौकशी आहे, आज त्यांच्या PCR घेईल, PCR नंतर आणखीन काही मुद्दे समोर येतील, जे सत्य आहे ते जनतेच्या समोर येईल। गोंदिया स्थानीय भावभूती रंगभूती हॉल में महाराष्ट्र आशा गट प्रवर्तन के अध्यक्ष राजू देशले इनके प्रमुख अतिथि में हजारों महिलाओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्याम काले नागपुर, शिव कुमार गणवीर भंडारा, मिलिंद गणवीर, हौसलाल रहांगडाले, रामचंद्र पाटिल, सीके ठाकरे, शालुताई कुथे, प्रहलाद उके, शत्रुघ्न लांजेवार आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। सम्मेलन में गट प्रवर्तक को वंचित रखकर पेमेंट के बढ़ोतरी ना करना, कोरोना के 2 वर्षों में अधिकारी वर्ग मेहनत का पगार भी नहीं दे पाना, इस विषय पर प्रकाश डाला गया। VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।